ज्योतिष रत्न लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों आज हम आपके सम्मुख वर्ष 2020 का वार्षिक राशिफल 12 राशियों का मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक का माह जनवरी 2020 से और माह दिसंबर 2020 तक का राशिफल लेकर के आए हैं और सभी राशियों की चर्चा आपके साथ करेंगे वार्षिक राशिफल की। अभी हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वो धनु राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं माह जनवरी से लेकर के और माह दिसंबर तक का राशिफल क्या कहता है आपका। तो मित्रों जनवरी में इस माह की तारीख 13 तक इस राशि पर पंचग्रही योग रहने से विशेष उथल पुथल रहने वाली है। परिवार में भी कुछ उलझनों एवं तनाव का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ की भागदौड़, अनावश्यक खर्च, माह के अंत में मान सम्मान में वृद्धि और धन का लाभ रहने वाला है। यह है माह जनवरी। माह फरवरी तारीख 8 से मंगल केतु के लगन भाव में होने से व्यर्थ की यात्रा, परेशानी एवं खर्च की अधिकता बनी रहेगी। भागदौड़ के उपरांत भी गुजारे योग्य धन प्राप्त होता रहेगा। शनि की 7.5 के कारण स्वास्थ्य में परेशानी बन सकती है। मार्च गुरु बृहस्पति इसी राशि में होने से संघर्षमयी परिस्थितियों के बावजूद आय तथा मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। धर्म गुरुओं के साथ संपर्क में आप आएंगे तथा उनके प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी। पति या पत्नी को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बन सकती है। अप्रैल माह, माह के आरंभ से ही राशि स्वामी गुरु अपनी नीच राशि मकर में रहने से मानसिक एवं आर्थिक परेशानियां बढ़ने वाली हैं। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। माह के मध्य तक संतान की ओर से अच्छे परिणामों की प्राप्ति रहने वाली है। उसके उपरांत भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती ही रहेगी। माह मई, आपको अपने साहस एवं परिश्रम से ही अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं को स्वयं ही हल करना होगा मित्रों। तथा तारीख 14 से गुरु वक्री होने से आपकी बौद्धिक कार्यों में रुचि कम होगी तथा महामध्य के उपरांत संतान संबंध पर जो संबंधित परिणाम है वह भी सामान्य ही प्राप्त होंगे। जून, विघ्न बाधाओं के बावजूद आय सीमित मात्रा में ही रहेगी लेकिन धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। महामध्य के उपरांत हालांकि अचानक आपके बिगड़े हुए या रुके हुए जो कार्य हैं वो बनेंगे जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा लेकिन साथ ही आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी धन का व्यय अधिक करेंगे। जुलाई, माह के आरंभ से ही गुरु बृहस्पति वापस अपनी राशि में आने से परिस्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा तथा विचार की गई जो योजना है यानी कि जिन योजनाओं को आपने पहले से प्लान करके रखा है उसमें भी जब आप एक्शन लेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी और कुछ उच्च प्रतिष्ठित जो समाज के लोग हैं उनके साथ आपके संबंध डेवलप होंगे, विकसित होंगे और उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। अगस्त, कठिन परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। वैचारिक मतभेद बनेंगे अपने भाई बंधुओं के साथ। परिवार में आर्थिक जो उलझने हैं वो पैदा हो सकती हैं मगर माह के अंत में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और यह जो मुलाकात होगी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगी। आपके विचार भी धार्मिक रहेंगे इस माह। सितंबर यानी सितंबर, गुरु बृहस्पति का अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार होने से उलझनों एवं अड़चनों के बावजूद आय के साधनों में आपकी वृद्धि होगी मित्रों। लेकिन शुक्र का अष्टम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य एवं पेट संबंधी वायु विकार संभव हैं। माह के अंत में अचानक धन का लाभ एवं शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अक्टूबर, केतु का माह सितंबर के अंत में धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाने से पुरानी समस्याओं तथा मानसिक परेशानियों का यहाँ पर अंत होता दिखाई दे रहा है। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अच्छे संपन्न लोगों के साथ आपके जो संबंध हैं वो विकसित होंगे, उनका आपको लाभ भी होगा। नवंबर, माह के आरंभ में बिगड़े एवं रुके हुए कार्यों में सुधार होगा, धन का लाभ रहेगा तथा उन्नति के अच्छे नए अवसर प्राप्त होंगे आपको। मान सम्मान भी होगा आपका तथा उस पर मतलब आपके व्यापार या जो भी कार्य आप करते हैं रोजगार उसमें भी आपकी वृद्धि होगी। लेकिन तारीख 20 से गुरु नीच राशि में
शनि युक्त होने से यानी शनि के साथ होने से धन का खर्च आपको अधिक मात्रा में होने के साथ साथ आपकी उलझनें भी बढ़ेंगी। दिसंबर, गुरु द्वितीय भाव में अपनी नीच राशिगत होने के कारण घर परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ेंगी या रहेंगी। मानसिक तनाव रहेगा एवं धन की अनावश्यक रूप से व्यय होगा, लेकिन तारीख 15 से सूर्य जो धनु राशि में आएंगे तो उनके आने से जो है बिगड़े हुए रुके हुए कार्य आपके पूरे हो पाएंगे। क्रोध पर आपको अवश्य ही नियंत्रण अपने रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय क्या करें मित्रों, ये तो था 12 महीनों का आपका पूरे वर्ष का वार्षिक राशिफल। अब जो आपको चाहते हैं कि कुछ जो कमियां रही हैं उनमें आपको लाभ प्राप्त हो, कैसे हो, उसके लिए बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। अगर करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। नंबर एक, शनि की साढ़े साथी होने के कारण मित्रों शनिवार को शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाकर आप मीठा जल चढ़ा सकते हैं वृक्ष पर। उड़द की दाल के दाने चढ़ाएं तथा पीपल के वृक्ष की सात परिक्रमा अवश्य कर लें तथा शनि चालीसा का भी पाठ अगर वहीं बैठ करके कर लेंगे तो और भी उत्तम है। इसके साथ साथ चंडी स्तोत्र का भी नियमित रूप से अगर पाठ करेंगे तो आपके सारे कष्टों का निवारण आपको हो जाएगा जिन ग्रहों के कारण आपको ये कष्ट पैदा हो रहे हैं पूरे वर्ष। तो मित्रों आप नियमित रूप से कीजिएगा और अपने इन ग्रहों का उपचार इन के माध्यम से उपायों के माध्यम से कीजिएगा और उसका लाभ प्राप्त कीजिएगा। मित्रों आप ये धनु राशि के जो जातक हैं उनकी जो राशिफल है ये आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी हमारे अगले नए कार्यक्रम के जो वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।